इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पर मल्टीपल फ़ोटोज़ वीडियो सिलेक्ट नहीं हो रहे, या फिर अगर आपके भी इंस्टाग्राम पर मल्टीपल वीडियोज़ फ़ोटो सिलेक्ट होने में दिक्कत है तो कैसे आप इसको ठीक करोगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे हम मल्टीपल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हमें सिलेक्ट करनी होती है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाती है या फिर सिलेक्टिंग में इशू आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें मल्टीपल वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ है, तो जैसे हम यहाँ पे एक इस तरीके की 4-5 फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमें सिलेक्ट करनी है तो वो हो नहीं पाती थी पहले। लेकिन अब किस तरीके से इसको हमने ठीक किया है या फिर आप किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, वही स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो इस यहाँ से ये नेक्स्ट करने पर ये पोस्ट यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से म्यूज़िक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको इश्यू आ रही है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले इंस्टाग्राम को अपने बंद कर दीजिएगा यहाँ से। और उसके बाद इंस्टाग्राम को बंद करने के बाद पहला स्टेप आपको यही करना है कि प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर सर्च करना है, इंस्टाग्राम आपको लग देना है और इंस्टाग्राम की जो ऐप है उसको अपडेट कर लेना है। बस इंस्टाग्राम अपडेट करवा लीजिए। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से अपडेट करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। बस अपडेट कर लीजिए, अपडेट से ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। अगर अपडेट किया है फिर भी अगर आपको सेम इशू आ रही है, सेम प्रॉब्लम है, तो एक बार अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम ऐप को डिलीट कर दीजिए, यानी कि अनइंस्टॉल यहाँ से करना है आपको इंस्टाग्राम को। बाकी आप अपने आईडी और पासवर्ड कहीं पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। इसके यहाँ से आप जैसे इसको अनइंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको वापस से प्ले स्टोर में जाना है और इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे सारी परमिशन आपको अलाउ कर देनी है, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।